सबका अपने YouTube चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पर। तो आज हम एक रीजनिंग की क्लास शुरू करेंगे जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर का रीजनिंग के अंदर बहुत महत्व है और हमारी जिंदगी के अंदर भी कैलेंडर का बहुत ही ज्यादा यूज है। तो हम पढ़ेंगे कैलेंडर में क्या क्या होता है। कैलेंडर में एक तो होता है दिन, एक होता है सप्ताह, एक होता है महीना या माह और एक होता है वर्ष। हमारा जो एक दिन होता है, एक दिन हमारा 24 घंटे के बराबर होता है और एक सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं और एक वर्ष में हमारे 12 महीने होते हैं और एक साथ एक वर्ष में हमारे 365 दिन या 366 दिन होते हैं। ये हमारे जो वर्ष होता है इसमें 365 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं। तो 365 और 366 का इसमें क्या रोल है, तो हम इसे एक तो साधारण वर्ष बोलते हैं और एक अधिवर्ष या लीप वर्ष बोलते हैं इसको। साधारण और लीप वर्ष में क्या अंतर है, तो साधारण और लीप वर्ष में अंतर यह है कि इसके अंदर 365 दिन होते हैं हमारे और लीप वर्ष में हमारे 366 दिन होते हैं। तो 365 और 366 ये दिन क्यों बढ़, ये यहाँ पे एक दिन क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है फरवरी और यहाँ पे हमारी फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है। तो इसलिए हमारा जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं और जो अधिवर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। जो हमारी जिंदगी के अंदर जो साधारण वर्ष है वे हमारी जिंदगी में 75% यूज होते हैं और जो अधिवर्ष है ये लीप वर्ष है उनका यूज हमारी जिंदगी के अंदर 25% है। यानी कि 75% तो ये वाले साल आते हैं साधारण और 25% हमारे लीप वर्ष आते हैं उसके अंदर। जैसे हर 4 साल में एक बार क्या आता है, लीप वर्ष आता है। तो एक लीप वर्ष आता है 4 साल का, अगर हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 25। और तीन साल हमारे साधारण आते हैं 4 साल में, तो अगर हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 75। यानी कि 75% हमारे साधारण वर्ष होते हैं और 25% हमारे लीप वर्ष होते हैं। और लीप वर्ष में ये होता क्यों है, ये जो हमारी पृथ्वी है ये हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों ओर क्या पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ये हमारी पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है तो वो एक चक्कर पूरा करने में वो जो समय लगता है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 12 सेकंड जो समय लगता है वो एक पृथ्वी को सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 12 सेकंड लगते हैं। यानी कि हम इसको मान लेते हैं 365 दिन लगभग 6 घंटे। यानी कि हर साल हमारे 6 पहले साल हमारे 6 घंटे बढ़ा, 6 घंटे बढ़े, फिर दूसरी साल 6 घंटे बढ़े, फिर तीसरी साल 6 घंटे बढ़े, फिर चौथी साल 6 घंटे बढ़े। यानी कि 6-6 घंटे करके हमारे क्या है 24 घंटे बढ़ चुके हैं और 24 घंटे यानी कि पूरा एक दिन बढ़ गया है। तो हर 4 साल में हमारी जो फरवरी होती है वो 29 की होती है इस वजह से। हमारी जो फरवरी होती है यहाँ 29 की होती है, ठीक है। और ये जो हम लीप वर्ष निकाल पहचानेंगे कैसे, लीप वर्ष को कैसे पहचानेंगे,
लीप वर्ष को अगर हमें कोई, जैसे हमारा ये 2020 है, तो अगर हमें इसे देखना है कि ये हमारा लीप वर्ष है नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, चार से डिवाइड कर देंगे। अगर ये चार से डिवाइड हो रहा है तो ये हमारा लीप वर्ष है, और अगर चार से डिवाइड पूरा पूरा चार से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये हमारा साधारण वर्ष होगा। ये तो हमारा जो होता है लीप वर्ष होता है। अगर हमें शताब्दी पहचाननी है, जैसे हमारी ये 1900 शताब्दी है, शताब्दी जो होती है वो हमारी होती है जैसे 1900, जिसके जिसके पीछे कम से कम दो जीरो हो उसको बोलते हैं हम शताब्दी। जैसे 1800, 1900 और 2000। अगर हमें इसमें पहचानना है कि हमारी ये लीप वर्ष है या नहीं है, तो हम अगर इसे चार से डिवाइड करेंगे तो चार से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और चार से ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये सभी क्या है, लीप वर्ष नहीं है। तो शताब्दी को शताब्दी को पहचानने के लिए लीप वर्ष है या नहीं है, तो हम उसे क्या करेंगे, 400 से भाग करके देखेंगे। अगर ये 400 से पूरी पूरी डिवाइड होगी तो ये लीप वर्ष है, वरना ये लीप वर्ष नहीं है। हमने 400 से अगर 1900 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। 1800 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। और 1900 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। और अगर हम 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो हमने देखा ये 400 से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो ये क्या हमारा लीप वर्ष है। शताब्दी को अगर हमें पहचानना है तो 400 से डिवाइड करना है, और अगर हमें कोई वर्ष पहचानना है तो उसे 4 से डिवाइड करके देखना है लीप वर्ष में पहचानने के लिए। जैसे हमें पहचानना है, इसमें एक पॉइंट लिख लेना नोट करके कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार, और शनिवार किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं हो सकता। इनके अलावा कोई और दिन हो सकता है, लेकिन ये दिन कभी नहीं हो सकते किसी भी शताब्दी का। जैसे 31 दिसंबर 1700, अगर हमें 31 दिसंबर 1700 को अगर हमें दिन पहचानना है, और हमारे ऑप्शन में पहला ऑप्शन है सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बृहस्पति और चौथा ऑप्शन है शनिवार, तो हम देखते ही पहचान सकते हैं इस सवाल के अंदर कि हमारा ये दिन नहीं हो सकता किसी भी शताब्दी का, ये दिन नहीं हो सकता और ये दिन नहीं हो सकता, केवल यही एक ऐसा, इनके अलावा कोई और दिन हो सकता है। अगर इनके अलावा कोई और ऑप्शन होता तो हम उनमें से फिर हमें चेक करना पड़ता कि कौन सा दिन है। अगर ये तीन ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन कोई और सा है इनके अलावा, तो हम हाथ मीच के उसको लगा सकते हैं कि ये दिन हमारा हो सकता है, ये तो कभी नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे अगर हम लीप वर्ष का कोई सवाल करें, अगर कोई व्यक्ति अपना 25वां जन्मदिन फरवरी 1792 को मनाता है,
तो वह अपना 28वां जन्मदिन कब मनाएगा? तो अगर हमारे हर चार साल के बाद हमारे क्या आता है, लीप वर्ष आता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें 8 साल के बाद भी हमारा लीप वर्ष आता है, यानी कि उसका अंतर 8 साल तक भी पहुंच जाता है। 4 साल तो होता ही होता है, लेकिन उसका अंतर कभी कभी 8 साल पहुंच जाता है। कैसे कैसे देखते हैं हम। 25वां जन्मदिन मनाया 1792 को, 26वां जन्मदिन मनाएगा 1796 को, 29 फरवरी, और 27वां जो जन्मदिन मनाएगा वो 1800 को नहीं मनाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, लीप वर्ष नहीं होगा। तो वो अपना 27वां जन्मदिन जो मनाएगा वो मनाएगा 1804 को, और जो 28वां जो जन्मदिन मनाएगा वो मनाएगा 1808 को। तो हमने देखा यहां से यहां तक क्या है, 8 सालों का डिफरेंस आ गया। यहां से यहां तक क्या आ गया, 8 सालों का डिफरेंस आ गया। लीप वर्ष में 4 सालों का डिफरेंस होता है, लेकिन कभी कभी क्या है, 8 सालों का डिफरेंस तक आ जाता है। तो हमें ये पहचानना है कि ये हमारा लीप वर्ष है या नहीं है, क्योंकि ये हमारी क्या है, 1800 हमारी शताब्दी है, और शताब्दी को हम क्या करेंगे, 400 से भाग करके देखेंगे। ये 400 से पूरी डिवाइड नहीं हो रही, तो इसलिए क्या है, ये हमारी लीप वर्ष नहीं है। अगर ये लीप वर्ष नहीं है तो इसमें हमारी फरवरी 28 तारीख की रहेगी, 29 तारीख की फरवरी नहीं आएगी इसमें। तो ये यहाँ पे इस साल भी अपना जन्मदिन नहीं मनाएगा, तो ये अपना अगला जन्मदिन 1804 में मनाएगा, 1796 के बाद 1804 में मनाएगा। तो ये अपना 28वां जन्मदिन कब मनाएगा, 1808 में। जैसे क्वेश्चन आता है 400 वर्षों में लीप वर्ष बताओ, 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो हर 400 साल अगर पीरियड देगा तो उसमें हम क्या देखेंगे, जैसे हमने कोई भी पीरियड ले सकते हैं हम इसमें, जैसे हमने पीरियड लिया 1601 से 1700 तक, ये 100 साल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर 1701 से 1800 तक, यहाँ से यहाँ 100 साल हो गए, फिर 1801 से 1900 तक, और फिर 1901 से 2000 तक। तो ये क्या होगा, हमारे 400 साल का पीरियड होगा। हम 400 साल कोई से भी 400 साल ले सकते हैं इसमें, जरूरी नहीं कि ये इनमें हम 1700 शुरू कर सकते हैं, तो फिर हमारा क्या जाएगा, 2001 से 2100 तक आ जाएगा। अगर हम इसे 1500 से शुरू करते तो फिर हमारा क्या आ जाता, 1801 से 1900 पर खत्म हो जाता फिर हमारा, ठीक है। तो हमने इसमें देखा कि इसमें कितने साल आएंगे, तो इसमें आएगा 24 बार लीप वर्ष। हम लीप वर्ष पहचानेंगे तो इसमें 1601 से 1700 तक कितनी बार लीप वर्ष आएंगे, 24 बार, क्योंकि 1696 तक तो लगातार आते रहेंगे, 1696 तक, क्योंकि यहां तक 24 बार आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही 1700 पर पहुंचेंगे तो 1700 क्या हमारा लीप वर्ष नहीं है, तो ये क्या है, ये हमारा काउंट नहीं होगा। 1700 को हम किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक शताब्दी है, शताब्दी को हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे, तो ये क्या है, हमारा लीप वर्ष नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या रहेंगे, केवल 24 बार ही हमारे लीप वर्ष आएंगे। 1701 से 1800 तक यहाँ पे भी 24 बार ही आएंगे, 1801 से 1900 तक यहाँ पर भी 24 बार ही लीप वर्ष आएंगे हमारे, और 1901 से 2000 तक यहाँ पर हमारे 25 बार आ जाएंगे लीप वर्षों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 25 बार। कैसे, क्योंकि जब 1901 से हम 1901 से 1996 तक तो 24 बार आ ही जाएंगे, 1996 तक 24 बार आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या क्या 2000 आ गया, 1996 के बाद 2000 आ गया, 2000 को हमने 400 से डिवाइड करके देखा, तो 400 से क्या हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, तो 2000 भी हमारा क्या है, एक लीप वर्ष है। तो 400 वर्षों के पीरियड में हमारे जो है लीप वर्ष कितने आ गए, तो 24
प्लस 24 प्लस 24 प्लस 25 यानी कि 97 बार वो हम अगर ये इस तरीके का हमारा सवाल आएगा इनको जी 100 साल में बताओ तो 100 साल में हमारे 24 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये आएगा कि 100 साल में लीप वर्षों की संख्या बताओ तो उसमें हमें ये नहीं पता कि वो कौन सा लीप ईयर ले रहा है, वो 1601 से 1700 तक का ले रहा है या 1901 से 2000 तक का ले रहा है। अगर उसने ये बता दिया कि 1601 से 1700 तक कितनी बार लीप वर्ष आएंगे तो 24 बार और 1901 से 2000 तक कितनी आएंगे तो 25 बार। अगर खाली ये पूछ लिया कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे तो उसमें हम नहीं बता सकते कि 24 बार आएंगे या 25 बार आएंगे, तो ऑप्शन दोनों ही लगाने पड़ेंगे हमें, 24 और 25 दोनों। अगर उसने सन दे दिया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया तो उसमें 24 और 25 दोनों ही लेने पड़ेंगे क्योंकि 100 साल के पीरियड में 24 बार भी लीप ईयर आते हैं और 100 यहां पे क्या है 25 बार भी आते हैं। लेकिन सवाल क्या आता है 400 वर्षों के पीरियड में ही आता है, 400 में बोल लेगा और 800 के में अगर बोल ले 800 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आएंगे तो लीप वर्ष 400 साल में तो 57 बार होते हैं और 800 साल में क्योंकि 400 का 2 गुना है तो हम 97 का भी 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 194। लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी 194। तो अब हम आगे चलते हैं, जो हमारे कैलेंडर में जो महीने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हमारे जो महीने होते हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हमारे 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने के कुछ कोड होते हैं, वे हमें उसके कोड याद करने पड़ेंगे। तो जनवरी, फरवरी और मार्च का जो कोड होता है, जनवरी का होता है 033, 033, 035, 614, 625, यानी कि जनवरी का जो कोड होता है वो 0 होता है, फरवरी का कोड 3 होता है, मार्च का कोड भी 3 होता है, अप्रैल का कोड 6 होता है, मई का कोड 1 होता है, जून का कोड 4 होता है, जुलाई का कोड 6 होता है, अगस्त का कोड 2 होता है, सितंबर का कोड 5 होता है, अक्टूबर का कोड 0 होता है और नवंबर का कोड 3 होता है, दिसंबर का कोड 5 होता है। ये 12 महीने हैं तो इसके क्या है 12 ही नंबर हैं और इन 12 नंबर को हमें याद करना पड़ेगा। तो इसकी याद करने का क्या तरीका है कि शुरू के 3 नंबर लो, 033, 035, 614 और 625। अगर हम इन्हें दिन में 2-4 बार अगर हम इन्हें इनका रिवीजन करेंगे तो ये हमारे याद हो जाएंगे 2-4 दिन में। हमें दिन में केवल 2-4 बार इनका रिवीजन करना है और हमारे याद हो जाएंगे। एक मोबाइल नंबर भी तो याद करते हैं हम 10 नंबर का, तो ये 12 नंबर का अगर हम ये याद कर लेंगे तो क्या होगा, इससे हमारा कैलेंडर पर जो सवाल आएंगे वे निकालने हमारे आसान हो जाएंगे। तो इसके जो कोड होते हैं 033, 035, 614, 625। अब देखो इसमें 0 यहाँ भी 0 आ रही है और यहाँ भी 0 आ रही है, तो यानी कि इससे जो जनवरी और अक्टूबर का जो महीना होता है वो सेम होता है। जैसे जनवरी की जो पहली तारीख होगी वो क्या मान लो अगर शुक्रवार है तो अक्टूबर की भी पहली तारीख क्या होगी, शुक्रवार ही होगा। क्योंकि जनवरी का कोड भी 0 है और अक्टूबर का कोड भी 0 है। अगर जनवरी की पहली तारीख क्या है, शुक्रवार है, तो अक्टूबर का भी वही महीना पहली तारीख शुक्रवार की होगी। यानी जैसे हमने देखा फरवरी, मार्च और नवंबर, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो फरवरी, मार्च और नवंबर ये तीनों महीने बिल्कुल सेम होते हैं। जो फरवरी की पहली तारीख का दिन होगा वही मार्च की पहली तारीख का दिन होगा और वही नवंबर की पहली तारीख का दिन होगा, यानी कि ये तीनों महीने क्या हो गए, ये तीनों महीने भी सेम होंगे। जैसे
6, अप्रैल का कोड 6 है और जुलाई का कोड 6 है। तो अप्रैल की पहली, अप्रैल और जुलाई क्या है, ये भी दोनों सेम महीने हैं, यानी कि जिनके कोड सेम सेम है वे महीने क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि जो जो तारीख पहली फरवरी की होगी वही मार्च की होगी, वही नवंबर की होगी। और कुछ इसमें क्या है, सदी के कोड है, कुछ इसमें क्या है, सदी के कोड है। जैसे सदी के कोड क्या है हमारे, 1600, ये हमारी 1600 क्या है, सदी है, 1700 भी सही, एक सदी है, 1800 फिर 2000, 2100, 2200 और 2300। तो 1600 का जो कोड होगा वो क्या होगा, 6 होगा, 1700 का 4 होगा, 1800 का 2 होगा और 1900 का क्या होगा, 0 होगा। यानी कि 1600 का 6 है, हमने उसमें से फिर 2 कम कर दिए 4, हमने फिर उसमें से 2 कम कर दिए 2 और उसमें से 2 कम कर दिए 0। तो 1600 का कोड 6 है, 1700 का 4 है, 1800 का 2 है और 1900 का क्या है, 0। ऐसे ही 2000 का 6 होगा, ऐसे ही संख्या रिपीट होती चली जाएगी, फिर 2000 का फिर 6 हो जाएगा, 2100 का 4 हो जाएगा, 2200 का 2 हो जाएगा, 2300 का 0 हो जाएगी। अगर इससे पहले की संख्या देते हैं कि 1500 का क्या होगा, तो 1500 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे अगर 1300 आ जाता, 1300 का वो 1400 आ जाता, 1400 का 2 हो जाता, और यहाँ पे अगर 1300 आ जाता, 1300 का 4 हो जाता, और अगर यहाँ 1200 होता तो 1200 का क्या हो जाता, 6 हो जाता। यानी कि ये संख्या क्या होगी, अब रिपीट होती चली जाएगी। तो हम इसे याद कैसे करेंगे कि 1600 का 6 है, उसमें से 2 कम करें 4, 4 में से 2 कम करें 2, तो 1800 का कोड है, 1800 में से 2 कम करें 0, तो क्या है, 1900 का कोड है। ठीक है, इसमें हमारे कुछ दिन होते हैं, जैसे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये हमारा पहला दिन माना जाता है, ये हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये पांचवा दिन, ये छठा दिन, ये सातवां या जीरो। ये क्या होगा, 7 होगा। पहला दिन क्या होगा हमारा, सोमवार होगा, दूसरा दिन मंगल होगा, तीसरा दिन बुधवार होगा, चौथा दिन गुरुवार होगा, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार, सातवां दिन क्या होगा हमारा, रविवार। ठीक है, अगर हमारा महीना क्या है, अगर हमारा साल लीप वर्ष है, लीप वर्ष आ जाए, प्लस महीना कौन सा है, जनवरी या फरवरी, लीप वर्ष हो प्लस जनवरी या फरवरी हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, माइनस एक कर देंगे। तो माइनस उसमें क्या कर देंगे, हम माइनस एक कर देंगे। माइनस एक का क्या फंडा है, जब हम सवाल करेंगे अभी बताएंगे इसमें माइनस एक का क्या क्या रोल है। ठीक है, हमारे जो दिन होते हैं वे 7 होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं दिनों को, क्योंकि हर 7 दिन के बाद क्या हो जाता है, हमारा दिन रिपीट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई दिन निकालना है 31 यानी कि जनवरी की अगर पहली तारीख, पहली जनवरी का दिन अगर हमारा क्या है, सोमवार है, तो 31 जनवरी का दिन क्या होगा, तो हमने अगर निकाला पहला दिन 1 जनवरी क्या हमारी सोमवार की है, तो हम क्या करेंगे 31 से भाग दे देंगे 7 को, तो कितना शेष आ गया इसमें, 3 शेष बच गया, 3 शेष बच गया, तो हमारा
तीन कहाँ पे है, बुधवार है, तो हमारे 31 जनवरी कौन से दिन की होगी? बुधवार की होगी। क्लास हमारे अभी यही समाप्त करते हैं, आगे क्लास में सवाल करेंगे इस पे। अगर कोई मतलब किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।